वन थिंग इज फॉर अस सिंगुलर, वन थिंग क्या होता है दैट इज सिंगुलर एंड द मोर देन वन इज प्लूरल. ओके, मोर देन वन मीन्स मोर देन वन में नॉट इट जस्ट अ टू और थ्री, मोर देन वन में 100,000, वन से जितने भी ज्यादा हो उसके लिए उसको हम प्लूरल कहेंगे. ओके, एंड सिंगल वन चीज को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे. फॉर वन थिंग यू विल यूज सिंगुलर एंड फॉर मोर देन वन यू विल यूज प्लूरल. जैसे कि मैडम के पास अगर हैंड में वन चॉक है सो इट इज सिंगुलर, वन थिंग इज सिंगुलर एंड मोर देन वन लाइक इट वुड बी टू थ्री फोर, दीज आर मोर देन वन सो दीज आर प्लूरल. ओके, दीज आर प्लूरल. लुक एट दीज पिक्चर्स व्हिच आई हैव इन माय हैंड, दिस वन कप वी विल कॉल इट सिंगुलर. ओके, व्हाट इज दिस सिंगुलर, वन थिंग इज सिंगुलर एंड मोर देन वन इज plural, more than one is plural, singular, plural, singular, plural. If you do not have any picture, अगर आपके पास कोई picture नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि ये one है या one से ज्यादा है. जब भी हमारे पास कोई चीज one से ज्यादा होती है उसके साथ एक friend होता है. कौन होता है? एक friend होता है. Like in विदाउट पिक्चर्स कराएंगे ताकि आपको पता चले. यहाँ पर इसके एंड में लगता है एस, एस क्या होता है दैट इज एस इज अ सुपरमैन विच कैन कैरी मोर देन वन. ओके, विच कैन कैरी मोर देन वन. जो सुपरमैन होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो एस का मतलब वो जो है तो एक से ज़्यादा चीज़ें उठा सकता है. सो दिस वन एस इज दैट सुपरमैन. ओके, दिस वन एस इज दैट सुपरमैन जो एक से ज़्यादा चीज़ों को उठा सकता है. जहाँ पर भी एस होगा इट मीन्स दीज आर मोर देन one, these are more than one. Now look at this board and we are moving to our written section. Like हमने इसको कैसे copy में करना है और इसको neat word में कैसे करना है. So look at this board. First word we have boy. What we have? The first word